सेवन स्टार फुटबॉल क्लबच्या वतीने कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये रविवारी फुटबॉल स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शालेय विद्यार्थ्यांचा या स्पर्धेमध्ये सहभाग होता. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे जिल्हा चिटणीस बाळाराम पाटील, भागीरथ चोरगे यांच्या उपस्थितीत बक्षीस वितरण कार्यक्रम पार पडला. यावेळी बाळाराम पाटील यांच्या हस्ते विजेते खेळाडूंना बक्षीस वितरण करण्यात आलं. यावेळी बाळाराम पाटील यांनी खेळाडूंशी संवाद साधून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी खेळाडूंचे पालक देखील उपस्थित होते. बाळाराम पाटील यांनी यावेळी आपल्या भावना व्यक्त करताना खेळाडू, कोच, रेफरी तसेच पालक वर्गाचे कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीने स्वागत करून आमदार विवेक पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळेच गेल्या 16 वर्षांपूर्वी खेळाडूंच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीची सुरुवात करण्यात आली. कर्नाळा स्पोर्ट्सचे अनेक विद्यार्थी आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेले आहेत अशी माहिती देऊन त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. संस्थान फुटबॉल क्लब के सभी मेंबर इस मैच में जो रेफरीज है उन सभी का कर्नाळा स्पोर्ट्स अकेडमी परिवार की ओर से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. विधायक विवेक जी पाटिल साहब ने कर्नाळा स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना इस इलाके के जो खिलाड़ी है, जो कलाकार है, उनके अंदर जो गुणवत्ता है उसको सुधारने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाने के लिए 16 साल पहले की थी और आज इस मैदान पे ये छोटे छोटे बच्चे, खिलाड़ी, कलाकार जो भी अपने कारनामे दिखाते हैं तो हम लोग निहायत खुशी महसूस करते हैं कि जिसके लिए सब प्रयास किए थे वो सभी प्रयास फलीभूत होते हुए हमें नजर आते हैं. आज कर्नाळा स्पोर्ट्स अकेडमी से तैयार हुए 4-5 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे अपने कारनामे दिखा रहे हैं. उसको भारत के लिए इस परिसर से कोई ना कोई खिलाड़ी जाए और मेडल जीत के आए, इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं. हमें खुशी है कि आज फुटबॉल के जरिए सेवन स्टार फुटबॉल क्लब के सभी क्रीड़ा प्रेमी लोग कर्नाळा स्पोर्ट्स अकेडमी के इस मिशन में शामिल हो रहे हैं. मुझे उम्मीद है आपके सामने जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, भारत के लिए खेलने वाला इस देश में जो लीग्स हो रहे हैं उसमें खेलने वाले प्लेयर्स आपके सहयोग से तैयार हो, ऐसे आपको शुभकामनाएं देता हूँ.